सलाम अलैकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल से अब ये सिलसिला भी खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा तो ये सिलसिला है, तो आप हैं वो स्पेशल ऑफिसर जो इस केस में रूप बदल बदल कर तफ्तीश करते रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेग साहब। इस केस में खास तौर से आपके काम करने के तरीके की दाद देता हूँ। इस केस की कामयाबी का सेहरा अब हम तीनों के सर हैं। कातिल ने नहर में जिस वक्त मिस सलमा पर हमला किया था, मैं उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लेता अगर आप मुझसे पहले ना पहुंचते। बहरहाल वो आपसे डर के भाग गया, मगर उसकी अंगूठी मुझे मिल गई। हाँ, जामनगर के रास्ते में मिस सलमा को मैंने इसलिए अगवा किया था ताकि कातिल इनके पीछे मेरे मकान तक पहुंच जाए, लेकिन वहां रस्सी और पत्थर का रॉकेट बनाकर आपके मिस्टर पौवा पहुंच गए। लैंग्वेज प्लीज, लैंग्वेज। अगर आप जैसे लोग भी परवेज को पौवा कहेंगे तो जमाना क्या कहेगा? पौवा। लैंग्वेज प्लीज, लैंग्वेज। बहरहाल इनकी मदद से आप इन्हें मेरे मकान से ले गए और मेरा सारा प्लान अपसेट हो गया। बेग साहब, आप तो जानते हैं मैंने जो कुछ किया अपने फर्ज और अपने पेशे के लिए किया। हमें खुशी है कि हमारे मुल्क में आप जैसे नौजवान भी हैं जो कानून की खिदमत और जराइम पेशा तबके को ख़त्म करने के लिए इतनी मेहनत और हिम्मत से काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पुलिस की मदद के बगैर आपकी सारी खिदमत बेकार और ख़तरनाक साबित हो सकती है। देखिए मिस्टर सलीम, कातिल से पहले अगर हम मिस सलमा को गायब करने में कामयाब ना होते तो कानून एक ऐनी शहादत से महरूम हो जाता और ये भी बेगम अकबर की तरह ख़त्म कर दी जाती। हमें बेगम अकबर के कत्ल का बेहद अफसोस है, जिस बेचारी ने कातिल को समझने के बाद इंतकामी जज्बे के तहत पुलिस को इत्तला दिए बगैर कातिल का मुकाबला किया और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। सर, वसीयतनामा। थैंक यू, अब आप लोग जा सकते हैं। मिस सलमा, आपको ये जायदाद के कागजात मुबारक हों। शुक्रिया। मिस्टर सलीम, आपको प्राइवेट डिटेक्टिव की हैसियत से इस शानदार कारनामे पर पुलिस से इनाम जरूर मिलेगा, ताकि हमारे नौजवानों को पुलिस की मदद और शहर में अमन अमान कायम रखने का शौक